आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान कल जमुई में थे और आज पटना पहुंचे हैं। पटना से वो दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं और उसी समय संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि कल आपने बयान दिया है कि जमुई में जवानी में आया हूं, बुढ़ापे तक रहूंगा। इस पर चिराग पासवान ने जो जवाब दिया वो तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने पत्रकारों से निश्चित तौर पर ये कहा कि आपने हमारे बयान का मतलब कुछ गलत निकाल लिया है। मैंने ये कहा है कि जवानी में आया हूँ जमुई में 8 साल से हूँ, बुढ़ापे तक रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव किसे कहाँ से लड़ना है ये सब कुछ NDA पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी ने सेवा की है हाजीपुर की और मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे साथ जो प्रधानमंत्री गृहमंत्री की मुलाकात हुई है उसमें 6 सीटों पर LJP जो चुनाव लड़ी थी 2019 में वो 6 सीटें उसे मिलेंगी और हम तब तय करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। आप अपने मतलब से कोई मतलब मत निकालिए। मतलब कि हमने कह दिया कि आप मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा जमुई की, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अगला चुनाव भी जमुई से ही लड़ूंगा। बड़े सधे हुए शब्दों में चिराग पासवान अपनी बात कहकर निकल गए और किसी को समझ भी नहीं आया। सुनवाते हैं चिराग पासवान को। राहुल गांधी की सबसे बहाल हो गई है लोकसभा। चुनौती नहीं है और ये भले जितना प्रयास जा रहा है इसको राजनीतिक विषय बनाने का, पर राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनके उनको मिली सजा पे रोक तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। भाई फोर्सफुली पावर छीना जा रहा है, कौन सी पावर छीनी जा रही है इसमें बताएं ना कि इसमें दिल्ली की जनता के हित का कौन सा हनन हो रहा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इतनी चिंता है। भाई ये पूर्णता और पूर्णता उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को कवर अप करने के लिए मुख्यमंत्री परेशान है। जितना ट्रांसफर पोस्टिंग है भैया, जिस तरीके से इसको गोरख धंधा बना दिया गया, किस चीज़ को कवर अप करने के लिए? आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग आप इसीलिए कराना चाहते हैं ना ताकि शराब से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उस पर पर्दा डाला जाए। आपने जो अपना शीश महल बनाया हुआ था उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। विजिलेंस से जुड़े हुई फाइलें थी यहाँ पे, तो इसमें जितनी फाइलें हैं उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने एक एक विषय का जिक्र किया ही कि भाई कौन से विषय हैं जिसके खिलाफ हम लोग ये अध्यादेश लेकर आए और अब बिल हम लोग पारित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की चिंता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर है, दिल्ली की जनता का इससे कुछ लेना देना नहीं। जमुई में बयान दिया है कि युवा अवस्था में आए हैं, बुजुर्ग होकर जाएंगे, क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने क्या संकेत देने की कोशिश की है जमुई में? भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहने से पहले ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में मैं बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ा, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा। और जहाँ तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है।
जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है, जहां एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूं, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्मभूमि जमुई रहा है, जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुज़ुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, बट वो बुज़ुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया, भाई के तौर पर भी अपनाया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दिया हुआ ये बयान नहीं था, मेरे जो व्यक्तिगत संबंध जमुई के लोगों से हैं, बट अगर कहीं इसका तात्पर्य ये निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह कुछ विश्लेषणों में मैंने ये सुना कि सरेंडर कर दिया, ये हो गया वो हो गया, भाई मैं इन बातों को विवादित नहीं करना चाहता, क्योंकि गठबंधन के भीतर वाली बातें हैं और गठबंधन में तय होने के बाद सही समय पर इसको सार्वजनिक किया जाएगा। बट हाँ, ये भी उतना ही तय है कि हाजीपुर हो जमुई हो, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो ये थे चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे कहने का मतलब गलत निकाल लिया है, मैंने कहा कि मैं जवानी में आया हूँ जमुई और बुढ़ापे तक सेवा करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जमुई से ही चुनाव लड़ूँ, हमें 6 सीटें मिलेंगी, हमारा जो दल है पार्लियामेंट्री, जो हमारा बोर्ड है, वो तय करेगा कि चिराग पासवान कहाँ से लड़ेगा, दूसरे लोग कहाँ से लड़ेंगे। चाचा भतीजा के बारे में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एनडीए तय करेगा कि किसको कहाँ से लड़ना है। अब देखना ये है कि चाचा जो कमान संभाले हुए हैं कि मैं ही लड़ूंगा हाजीपुर से, क्या फिर से जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं चाचा भतीजे में, वो सिर्फ हाजीपुर सीट के कारण फिर से खाई कहीं बढ़ न जाए, इस पर भी हमारी नज़र है। आप बने रहिए।